राधे राधे भैया, जय श्री मन्नारायण। आज के ब्लॉग में आप सबन को बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब श्री जी की कृपा से, श्री बांके बिहारी लाल की कृपा से बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही खास बनने वाला है। यदि मैं आपको बताऊंगा तो आपको मन है जाएगा बहुत खुश, और क्योंकि मैं हूँ यहाँ समय परिक्रमा मार्ग में। वो अभी पता चली कछु देर पहले कि आज हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी आज सीधा वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे। तो बस फिर कहा भैया मन है गया और बिल्कुल गार्डन गार्डन मन बड़ा खुश है गया कि आज तो हम प्रेमानंद बाबा के अपनी परिक्रमा में दर्शन करेंगे। क्योंकि भैया मैं आपको बता दूँ, हमें बाबा के दिव्य दर्शन करके कुछ सुबह सुबह जाना पड़ा, लेकिन आज बाबा हम सबन पे कृपा कर दिए, और क्योंकि वो परिक्रमा लगा रहे हैं, परिक्रमा में दास को घर है। तो भैया मन बड़ा खुश है कि आज बाबा हमें खुद दर्शन देवे को आ रहे हैं, ब्रजवासी को दर्शन देवे को निकले आज सीधा वृंदावन की परिक्रमा में। तो मन बहुत बहुत ही आज खुश है। तो भैया फिर मैंने सोची कि आप सबन को भी मैं दिव्य श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा के साथ साथ में आज मैं आपको बाबा के भी दिव्य दर्शन कराए दूँ। और पता है संग में बहुत बहुत खुशी की बात ये भी है कि बाबा के साथ में हमारी श्री जी और लाल जी भी परिक्रमा दे रहे हैं, और बहुत बहुत ही दिव्य दर्शन है। तो मैं अभी आ समय श्याम कुटी से पहले, क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि आगे तो मैं जाऊंगा ना, क्योंकि बाबा आ रहे हैं। तो अब देख लो मेरा इंतजार भी खत्म हुआ और आप समन को भी खत्म हुआ। अब बाबा हमें कछु देर में ही दिव्य दर्शन देंगे, और पता बहुत बहुत एकदम एक्साइटेड है रहे हूँ क्योंकि बाबा आज हमें दिव्य दर्शन दे रहे हैं। ऐसे दर्शन मैंने भैया मैं आपको बता दूं कब करे, जब एक साल पहले जब बाबा डेली श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करते, बासन में डेली आज गए 5 से 4 बजे के बीच में बाबा के दिव्य दर्शन करता हूँ। क्या मैं आज मैं परिक्रमा में बाबा के दिव्य दर्शन कर रहा हूँ, बहुत बहुत ही दिव्य दर्शन है। पास में तो बाबा को के दर्शन करने को आनंद ही कछु अलग हो, कछु भीड़ भाड़ देखने को ना मिलती, लेकिन अब तो भैया हो बाबा के साथ में भी शिष्य परिकर बहुत है, पर लेकिन फिर भी हमें श्री लाली लाल की कृपा से बाबा आप सबन को दिव्य दर्शन दे रहे हैं और भैया हमको दर्शन दे रहे हैं। तो देखो अब हमारा इंतजार है वो खत्म, बाबा कछु देर में हमें श्री जी के साथ में अपने दिव्य दर्शन देंगे। बहुत 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 ही हर्ष की बात है। तो देखो यदि आपको देखो ब्लॉग पसंद आया हो ना, तो भैया देखो चैनल को सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, और भैया कमेंट करना ना है भैया सचियो, और अपने दोस्तों के संग में भी शेयर करियो, क्योंकि भैया बहुत ही आज के दिन के दर्शन है बाबा के परिक्रमा करते हुए। तो मैं अभी यहाँ से मैं मोर कुटी तक खड़ा हुआ हूँ, मोर कुटी से मैं आप सबन को बाबा के दिव्य दर्शन करा रहे हूँ, क्योंकि अब देखो बाबा आगे 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 शिष्य परिकर चल रहे हैं, और बाबा के दर्शन के कारण भी ब्रजवासी खड़े हुए हैं भैया परिक्रमा में, क्योंकि भैया हम सब भैया परिक्रमा में खड़े काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि यार बाबा कब आके हम सबन के दर्शन देंगे, कब आके हम सबन के दर्शन देंगे। तो भैया काफी देर के इंतजार के बाद में अब बाबा हमें दर्शन देने को हमारे बीच में आइए, क्योंकि जो मौका भैया हो कभी कभार ही ऐसा मौका हमें मिले कोई परिक्रमा में दिव्य दर्शन करने के, नहीं तो जब हमें बाबा की याद आवे का, वैसे तो बाबा हमारे ही है, क्योंकि वो तो जब कभी भी जाके बाबा के दिव्य दर्शन कर लियो, क्योंकि बाबा अपने ही है, अपने घर के बाबा है, क्योंकि हम ब्रजवासी पर बड़ी कृपा करें हम कभी चले जाए बाबा के दिव्य दर्शन कर लियो तो हमें भैया दर्शन है जाए, ऐसी मतलब हम सबन पे श्री जी कृपा है हम ब्रजवासी पे, और बाबा ने भैया उन पर कृपा कर रखी है कि हमें लाइन फैन लगाने की जरूरत ना, हम ऐसे जाके बाबा के डायरेक्ट दर्शन कर लिए हैं। ये बड़ा हम ब्रजवासियों का बड़ा सौभाग्य है, ऐसे हमें पूज्य संत भगवान के हम सबन को दर्शन दे रहे हैं। तो देखो भैया अब हमारे इंतजार है वो खत्म, अब बाबा आ रहे हैं। आप देख रहे हो छतरी के नीचे में श्री जी विराजमान है, और श्री जी के पीछे में बाबा हम सबन को दर्शन दे रहे हैं। तो आप देख लो भैया बोल श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंश, जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय श्री वृंदावन श्री वंश। देखो आप देख रहे हो ना, देखो श्री जी
पोशाक में राज पहने हुए बहुत ही दिव्य दर्शन कर रहे हैं। और बाबा देख लो, बाबा जा रहे हैं, बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। पूछे श्री देवानंद बाबा जी महाराज, ऐसे ही बाबा पे श्री जी की कृपा बनी रहे और हम सब ब्रजवासी पे ऐसी कृपा बनाए रखें बाबा, और संग में आप सबन पे वो कृपा बनाए रखें, ऐसी मैं प्रार्थना श्री जी से करूं और हमारे बाबा श्री जी की कृपा से स्वस्थ रहे और हम सबन पे ऐसे ही दिव्य कृपा करते रहें। बोलो श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम मिलेंगे भैया अगले ब्लॉग में, तब तक के काजे राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण, राम राम। आप सब बहुत बहुत खुश रहो।